गाइस आज भी ये गाड़ी की ना सेल कोई काट नहीं पाया है, आज भी सिर्फ अपने नाम की वजह से ये गाड़ी बिकती है। एंड क्या रीज़न है इसका सेल्स का कि इतने बढ़िया सेल्स नंबर लेके आ रही है, क्या रीज़न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाइस मुझे इस गाड़ी की लुक एवरग्रीन लगती है, बीसियों साल हो गए इस गाड़ी को, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी, नया डिज़ाइन ही लगता है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी पुरानी हो गई हो। Hey, good morning guys and welcome back to another video of my YouTube channel RDV. तो गाइस इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की, कोई परिचय की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि दबंगों की गाड़ी, शेर दिल गाड़ी, मजबूत गाड़ी, ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक एंड वेरिएंट है S. एक्स शोरूम प्राइसिंग है 13.25 लाख एंड 15.5 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है। तो गाइस क्या क्या फीचर्स आते हैं इसमें, और थोड़े से आप इसमें मॉडिफिकेशन करा के आप इसे एकदम टोरा गाड़ी, एकदम ज़बरदस्त गाड़ी बना सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन है सिर्फ अलॉय व्हील लगवाई है इसमें 20 इंच के, जैसे कि ये गाड़ी के साथ लगभग सारे लगवाते ही हैं। यहाँ देखिए फ्रंट लुक में सबसे पहले तो बिल्कुल नई, हमें महिंद्रा का बिल्कुल नया लोगो मिलता है, ऑल न्यू ग्रिल 6 स्लॉट 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें यहाँ पे शाइन प्लस मैट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है। हेडलाइट्स पे नज़र मारते हैं, कहीं DRL नहीं मिलता, कोई LED का यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा, सिंपल सी प्लेन सी रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब ही मिलते हैं, हाई बीम लो बीम। एंड इसमें जो S11 मॉडल है उसमें कॉर्नरिंग लैंप्स भी मिलती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे है इंडिकेटर जो कि हेलोजन बल्ब ही है, एंड नीचे की तरफ कई फॉग लैंप्स, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सिंपल सोबर। और यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो भी बिल्कुल डल ब्लैक ही रखा गया है, कहीं आपको ग्लॉस ब्लैक नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक हल्का सा ट्रीटमेंट मिलेगा। नीचे की तरफ कोई स्किड प्लेट भी नहीं है, एंड यहाँ की तरफ जो इसकी ये लुक है ना बोनट में, इसका जो एयर इंटेक्स है, हालांकि है तो फेक ही, लेकिन ये जो एयर इंटेक्स हैं ये नई स्कॉर्पियो N में भी मिसिंग लगती है काफ़ी लोगों को। तो गाइस अब खोलते हैं इसका बोनट एंड बताते हैं इसके क्या इंजन के बारे में। तो गाइस महिंद्रा की ऐसी एक लौती गाड़ी है जिसका बोनट उठाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, एंड वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है मैजिक महिंद्रा का स्कॉर्पियो N में, XUV 700 में किसी में हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते सिवाय स्कॉर्पियो क्लासिक में। ये देखिए ये हाइड्रोलिक स्टड, बोनट उठाने में क्या मज़ा आया गाइस। यहाँ पे इंसुलेशन क्लॉथ भी मिलेगा, तो कुछ ऐसा सा बढ़िया सा इंजन दिखने वाला। इंजन पे खोलते ही मज़ा सा आ गया गाइस, इतना भारी भरकम, मतलब हर पूरी भरी हुई है चीज़। इंजन के बारे में बात करें तो 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन 4 सिलेंडर दैट मेक्स 130 BHP और टॉर्क रहेगा इसके 300 Nm। और गाइस यही सेम इंजन आपको स्कॉर्पियो S11 में भी मिलता है एंड स्कॉर्पियो N में भी मिलेगा, Z2 जो बेस वेरिएंट है डीजल वाला उसमें मिलता है। तो अब इसका बोनट बंद करें, ये गाइस ये बहुत मज़ा आता है। और गाइस यहाँ देखिए इसकी कुछ साइड प्रोफाइल, लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ मिलती है, और चौड़ाई की बात करें तो 1.8 मीटर यानी 1820 मिलीमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई मिलती है। कर्व वेट, इस गाड़ी के वेट की बात करें ना 1950 किलो, इतनी भारी भरकम गाड़ी है ना गाइस। नई स्कॉर्पियो N का भी इतना वजन नहीं है जितना इस गाड़ी का वजन है गाइस। तो इसकी आप चैसी देख सकते हैं गाइस, नीचे आप फ्रेम देख सकते हैं, बॉडी ऑन फ्रेम SUV है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। रेयर की बात करें तो इसमें मल्टी लिंक कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं, ये देखिए यहाँ पे मल्टी लिंक कॉयल सस्पेंशन मिलेंगे। एंड गाइस सस्पेंशन की तो बात ही अलग है, हालांकि इसमें आपको काफ़ी बाउंसी सा फील होता है। गाड़ी में आप अंदर बैठेंगे ना तो आपको जो बॉडी मूवमेंट है ना वो आपको इस गाड़ी में बहुत देखने को मिलती है, एंड वही शायद इस गाड़ी का मज़ा भी है, इसीलिए उस मज़े के लिए ही ये गाड़ी बिकती है। और गाइस यहाँ पे टायर देख सकते हैं आप, तो टायर में कोई अलॉय व्हील एंड व्हील कैप वगैरह नहीं मिलता, स्टील रिम ही मिलेंगे वो भी सिल्वर कलर के। टायर रहने वाला है 235/65R17 17 इंच का आपको इसमें व्हील मिलता है। एंड यहाँ पे मिलेगा M-Hawk की बैजिंग, यहाँ पे फेंडर, ये है व्हील आर्चेस। बॉडी क्लैडिंग देखिए गाइस कितनी भारी बड़ी भरकम, कितनी चौड़ी बॉडी क्लैडिंग है। यहाँ पे पियानो ब्लैक स्कॉर्पियो की बैजिंग, यहाँ पे गाइस फुट स्टेप की तो आपको नीड होने वाली है, वो तो आप लगवाएंगे ही, लेकिन वो आपको एज एन एक्सेसरी शोरूम से ही लगवानी पड़ेगी, वो मिल भी जाएगी। एंड यहाँ पे ORVM देखिए, ये आप कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर से, वहाँ से ये एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। और बड़े बड़े विंडोज़, कहीं आपको रूफ रेलिंग्स नहीं मिलती। एंड गाइस थर्ड की बात करें ना तो थर्ड बढ़िया सा मिलता है आपको इसमें,
यहाँ पे है फ्यूल लिड, 60 लीटर कास्क में टैंक मिलता है। एंड गाइस क्लैडिंग तो पूरी पीछे तक आती है, लेकिन यहाँ पे जो है फुट स्टेप भी मिलते हैं, दो दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे पीछे की तरफ, यहाँ पे मिलेगा हुक, यहाँ पे रिफ्लेक्टर एंड कुछ ऐसी सी लाइट, एलईडी लाइट मिलेगी, एलईडी ट्रीटमेंट सिर्फ पीछे की तरफ दिया गया है। इंडिकेटर्स वो भी हमें हेलोजन ही मिलेंगे। यहाँ पे है महिंद्रा की बैजिंग, कहीं कैमरा देखने को नहीं मिलता, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग, स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग। गाइस पीछे की लुक आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ज़बरदस्त लगती है गाइस, एवरग्रीन इस गाड़ी को तो कोई तोड़ है ही नहीं। पुलिसियों की गाड़ी, दबंगों की गाड़ी, आप कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए, ये गाड़ी तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। और अगर आपको बूट खोलना है तो वही देसी स्टाइल साइड से, कोई आपको ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हैंडल भी दिया गया है और ये प्रॉपर 7 सीटर है, अभी सीट्स फोल्ड कर रखी हैं। और स्टेपनी जो है वो मिलेगी हमें नीचे की तरफ, स्टेपनी जो है वो भी 235 नंबर का स्टील रिम ही मिलेगा। यहाँ पे लीवर दिया गया गाइस, अब फिलहाल करें इसे बंद। यहाँ पे हाई माउंट टॉप लैम्प भी मिलेगा, लेकिन वो हेलोजन ही है, कोई शार्क फिन एंटीना एंटीना वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे दिया गया है एक नाली सी दी गई है पानी के लिए, क्योंकि पानी ऊपर से जो है नीचे यहाँ से बह जाता है। और गाइस इसको आपको बंद करना है ना तो आपको आसानी से बंद नहीं होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, आसानी से बंद नहीं होगा, कमज़ोर हाथ वालों से बंद नहीं होता। गाइस इंटीरियर आपको ड्यूअल टोन मिलेगा, बेज या क्रीम कलर और ब्लैक, इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आता है। एंड ये कॉम्बिनेशन एवरग्रीन, इससे आप कभी बोर नहीं होंगे। और वाइट नहीं है ये, वाइट जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए ऑफ वाइट रखा गया है ताकि जल्दी मैला ना हो। तो गाइस कुछ ऐसी सी सीट, लेकिन स्पेस मुझे इसमें उतना नहीं लगता। आपको हेडरूम इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, शोल्डर रूम अच्छा खासा मिलेगा, इनफैक्ट 3 फुल साइज़ के बंदे इजीली बीच में बैठ जाते हैं, एक बच्चा भी आप बिठा ही लेंगे। लेकिन जो लेग रूम है ना, नी रूम है, वो इतना नहीं मिलेगा खास। सीट्स जो है ना अभी इतनी पीछे भी नहीं कर रखी, ये थोड़ी सी आगे करें। एंड यहाँ पे देखिए गाइस कुछ ऐसी सी सीट, यहाँ पे है ग्रैब हैंडल, यहाँ पे है लीवर, कोई विंडो कंट्रोल नहीं। हालांकि इसमें चारों पावर्ड विंडोज ही मिलेंगी आपको, सीट्स में यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिलेगा। गाइस सीट्स की कुशनिंग तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, अंदर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। और देखें यहाँ क्या मिलता है, लेकिन जो नीरूम है ना गाइस वो इतना खास नहीं मिलता। यहाँ पे रियर एसी वेंट भी मिलेंगे, लेकिन गाइस यहाँ की तरफ आप स्पेस देखिए, ओहो क्या गजब स्पेस है भाई, मज़ा आ गया। बहुत ही चौड़ी अंदर से तो गाइस बहुत ही खुली लग रही है, मैसिव, बहुत मैसिव गाड़ी लग रही है गाइस। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, ये एक अलग ही नज़रिया है महिंद्रा का बॉटल होल्डर्स देने का। यहाँ पे दो दो बॉटल्स आप रख सकते हैं, एसी वेंट है और एसी का कंट्रोल भी मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइस मिलेगा ग्रैब हैंडल, यहाँ पे है लाइट बीच की तरफ, और यहाँ की तरफ भी मिलेगी पीछे की तरफ और एक बीच की तरफ, आगे की तरफ कोई लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस बैठ के इतना मज़ा आएगा, आप हेडरूम तो देखिए कितना ज़बरदस्त हेडरूम, ऐसा लग रहा है पूरा आसमान ही है आपके ऊपर। ये देखिए एक गेट, पूरा एक गेट जितना हेडरूम है। हालांकि ये गाड़ी आपको बहुत उछालती है, लेकिन अगर आप बाउंस भी करेंगे ना तो ऊपर से टकराएंगे नहीं, बहुत अच्छा खासा शोल्डर रूम मिलता है। सिर्फ एक चीज़ की हमें लगती है कि नी रूम हमें इसमें इतना नहीं मिलता। और अब चलते हैं गाइस फ्रंट सीट की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो गाइस ये खोला हमने इसका दरवाज़ा, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, लीवर, यहाँ से आप ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो सीट्स है ना सिर्फ आप आगे पीछे और लंबा एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती गाइस, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। गाइस बात करें स्टेयरिंग की तो रेगुलर राउंड स्टेयरिंग मिलेगा, महिंद्रा की बैजिंग मिलेगी, महिंद्रा की बैजिंग के जो क्रोम है ना इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, और कई माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं है। एंड कुछ ऐसी सी चाबी मिलेगी, और इसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती, रिमोट की जैसी चाबी है लेकिन रिमोट की नहीं है ये। और यहाँ है इसके हेडलाइट लेवलर, स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एंड यहाँ है इसका फ्यूल लिड का बटन, ये आप जैसे ही दबाएंगे फ्यूल लिड खुल जाएगी। और यहाँ पे एसी के कंट्रोलर हैं और एसी वेंट कुछ ऐसे, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल, यहाँ पे वॉशर कंट्रोल। गाइस सेट की स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट, इस प्राइस पॉइंट में गाइस आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो नहीं मिलेगी। गाइस हॉर्न चेकआउट करें तो हॉर्न आपको सिंपल नॉर्मल ही मिलते हैं, पोंपो हॉर्न जो S11 में एंड स्कॉर्पियो N में मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है और यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन गाइस ज़रूर करानी ही पड़ेगी। गाइस आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, कुछ ऐसा सा बेसिक सा एनालॉग सेमी डिजिटल आप इसमें क्लस्टर कह सकते हैं, जिसमें एनालॉग टैकोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर एंड ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बीच की छोटी सी स्क्रीन में मिल जाएगी, जिसमें इंजन टेम्परेचर मीटर, फ्यूल गेज, ओडो, ट्रिप्स वगैरह बेसिक सी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ खास फीचर्स नहीं आते। गाइस आप इसका ना एसी थोड़ा बंद करें, थोड़ा स्लो करें। और गाइस यहाँ पे एसी वेंट,
हालांकि जो डैशबोर्ड है इसका बिल्कुल फ्लैट सा आता है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। विंडशील्ड और डैशबोर्ड में गैप बहुत कम है, तो स्कॉर्पियो की लेगेसी रही है। स्कॉर्पियो में आपको जो डैशबोर्ड का फील है आपको कार जैसा नहीं, बिल्कुल जीप जैसा ही मिलेगा। भले ही आप स्कॉर्पियो एन क्यों ना लें, उसमें भी आपको जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल फ्लैट साइड ही मिलता है। यहाँ पे ऐसा ग्लव बॉक्स, लेकिन जो प्लास्टिक की गाइस क्वालिटी है ना, डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। मतलब कई टाइम बाद ना, थोड़े टाइम बाद ये इसमें आवाज़ आने लग जाती है, थोड़ा सा हिलने लग जाता है। स्कॉर्पियो की यहाँ बैजिंग मिलेगी, एसी वेंट चार चार है। यहाँ पे कोई स्क्रीन वगैरह नहीं दी गई। यहाँ पे है इसके एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे एसी के कंट्रोल, हैजार्ड लाइट। एंड यहाँ पे गाइस आप फोन रख सकते हैं, लेकिन पूरी रबराइज पैडिंग के साथ आता है तो फोन आपका हिलेगा नहीं। 12 वॉट का एक चार्जिंग सॉकेट, एक सिंगल सॉकेट सिर्फ यहीं मिलेगा। ये है इसका 6 स्पीड गियर लीवर, यहाँ पे इसका लीवर, और ये है इसके विंडो कंट्रोल्स। चारों पावर्ड विंडोज मिलेंगी, यहाँ पे भी आप फोन रख सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग दी गई है तो फोन हिलेगा नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे आप स्पेस देखिए एक बार, मतलब दूसरा बंदा ऐसा लगेगा कि दूसरे मोहल्ले में बैठा है, बहुत दूर। और यहाँ पे गाइस इसका सनशेड सिर्फ छोटा सा मिरर, ये मिरर थोड़ा बड़ा हो सकता था, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे मिलेगा IRVM जो कि मैनुअल है। सीट बेल्ट कुछ ऐसी हैं, और कोई सीट बेल्ट एडजस्टमेंट नहीं आती, और दो दो एयरबैग मिलेंगे आपको इसमें। तो गाइस इस गाड़ी का असली मज़ा क्या है बताऊँ, अभी देखिए आपके सामने आएगी। ये देखिए गाइस, इस गाड़ी को जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, और ये जब आगे से ऐसे ऐसे हिलती है ना गाइस, उसका जो मज़ा है, जो फ्रंट में फ्रंट सीट्स में जो पैसेंजर्स बैठते हैं ना, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है गाइस ये। और गाइस ये एक्सपीरियंस हमेशा आगे बना रहे, ये गाड़ी कभी डिसकंटिन्यू ना हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ महिंद्रा से ऐसा हो। आपको ये चीज़ अच्छी लगती आप कमेंट बॉक्स में गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस यही है आज की वीडियो में। स्कॉर्पियो को जनता ने, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है पिछले कई सालों से, और आगे कई सालों तक मिलता भी रहेगा। और होप ये स्कॉर्पियो कंटिन्यू रहे। थोड़े दिनों पहले नई बुलेट लॉन्च हुई, जिससे कि वो बुलेट लोगों को पसंद नहीं आई। स्टैंडर्ड बुलेट जो पुरानी वाली थी, यूसी इंजन वाली ही पसंद आई, लेकिन नई वाली नहीं पसंद आई। तो होप सो महिंद्रा इसे कंटिन्यू करे, महिंद्रा क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक को कंटिन्यू रखे, ताकि इसकी लेगेसी जो है चलती रहे, इसका रुतबा चलता रहे, वो खत्म ना करे महिंद्रा, ये गलती ना करे। तो गाइस यही आज की वीडियो में, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको एक पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक जो कि बिल्कुल नए अवतार के साथ आती है वो अच्छी लगी हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट। जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम आपको बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय गाइस।